नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथन पर दोस्तों चैनल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं शिक्षकों की बहाली नहीं होने पर हाईकोर्ट ने सरकार के शिक्षा पदाधिकारियों का वेतन किया बंद। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 34,540 शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने के आदेश के बावजूद बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2,213 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। आवेदन लिए जाने और मेगा सूची वेबसाइट पर भी डाल दिए जाने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने आदेश का पालन किए जाने तक बिहार सरकार के अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 34,540 शिक्षकों की नियुक्ति करनी थी। वरीयता के आधार पर 32,327 शिक्षकों की नियुक्ति हो गई, लेकिन शेष बचे 2,213 शिक्षकों की नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी है। पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि शेष बचे हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया हर हाल में 8 अप्रैल 2019 तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कर ली जाए। अगर 8 अप्रैल 2019 तक शेष बचे हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन सेक्रेटरी समेत बिहार सरकार के संबंधित अधिकारी, शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दे दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि ये बहुत दिनों से ये मामला पेंडिंग चल रहा है। 2,213 जो शिक्षक हैं, इनकी बहाली सरकार के द्वारा नहीं की गई है। अब कोर्ट का भी प्रेशर बन गया है, तो उम्मीद है जल्द से जल्द इनकी बहाली हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। इसको लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि सभी जानकारी मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम। तो आपको बता दें कि आप सवर्णों को भी